चलो जी अज असी वीडियो करना हूँ पहले नोटबुक कितने गई यार नोटबुक चलो नोटबुक लेके आना तारे संभाल लो ये नोटबुक खड़े Okay, hi everyone, welcome on board. First of all, thank you so much for so much of love and affection for the last two videos. You know, नहीं देखे quant कैसे crack करें पर एक मुझे problem है कि तुम लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो एक सेकंड प्लीज पॉज करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. 3000 व्यूज आ रहे हैं, 10000 व्यूज आ रहे हैं, कमेंट भी आप कर रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो एक सेकंड के लिए पॉज करिए और सब्सक्राइब करें चैनल को. नेवरथलेस आज दो इंपॉर्टेंट बात करेंगे. नंबर वन, एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे क्रैक करें उसका एक वीडियो है. आई एम गोना स्पेंड टाइम वॉच इट टिल द एंड. और इसके अंदर मैं एक और क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ. मैं सोच रहा था आप लोगों को आई एम अहमदाबाद ले चले. हाँ, आई एम अहमदाबाद ले चले. दो तरीके होते हैं आई एम अहमदाबाद जाने की. तो इतना मोटिवेशन से पढ़ाई करो कि यू गोना मेक इट टू आई एम अहमदाबाद और दो साल तुम वहां पे रह सकते हो. या मैं सोच रहा था 5, 10 या 15 लोगों को, ऑल माई व्यूअर्स को, 5, 10 या 15 लोगों को आईएम अहमदाबाद एक दिन के लिए ले चलते हैं. वहां पे एंटायर डे स्पेंड करते हैं एंड वहां पे इवेंट है डे इन लाइफ एट आईएम अहमदाबाद. उसके अंदर आपका खाना पीना रहना सब स्पॉन्सर हम कर सकते हैं और आपको ले जाएंगे भी. आप दिल्ली से हैं, बैंगलोर से हैं, कहीं से भी हैं. सो मैं सोच रहा हूं 5, 10 या 15 लोगों को साथ ले जाएं बिकॉज आपका मोटिवेशन लेवल डबल हो जाएगा अगर आप वहां पे पहुंच गए. मैं भी आपके साथ चलूंगा और 3-4 टॉपर्स को भी ले जाएंगे और वहां पे भी आपको लोगों से मिलवाएंगे जो लोग वहां पे हमारे कैटकिंग के स्टूडेंट आईएम अहमदाबाद में बैठे. हाउस द आइडिया? इफ यू आर इंटरेस्टेड टेल मी हाउ मेनी पीपल शुड वी टेक, 5, 10 और 15 एट आई एम अहमदाबाद. क्यों मैं कर रहा हूं इसके लिए भी मैं वीडियो करूंगा. एक छोटा सा कंटेस्ट होगा वो आपको करना है. लेट्स टॉक सब्सटेंस. आज की बात है डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे क्रैक करें. DI मेरा फेवरेट टॉपिक है. DI पहली बात तो भैया आज मैं दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स बताऊंगा. नंबर वन कैटेगरी, इफ यू गाइज वॉन्ट टू एम अ 99% प्लस एट डेटा इंटरप्रिटेशन. दूसरा बच्चा है जिसको DILR के अंदर पास होना है. बाय व्हाट डू आई मीन बाय पास होना है? पास होना है मतलब उसको 85% लेके आना है DILR के अंदर. ओके, 85% लेके आना है DILR के अंदर. So, let's start. Number one, पहले तो बात करते हैं गरीबों के लिए. गरीबों के लिए पहली बात तो देखो भाई DILR सेक्शन को ब्रेक करो. वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन को ब्रेक करो. कितने क्वेश्चन है? 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन है. पिछले 4-5 साल से 32 ही क्वेश्चन आ रहे हैं. और नंबर वन थिंग, DILR धुएंदार आ रहा है. क्यों धुएंदार आ रहा है? पेपर सेटर स्टैटिस्टिशियन है, उसके खून के अंदर स्टैटिस्टिक्स भरा हुआ है. मैं उनकी फोटो भी अगर आपको चाहिए तो दिखा देता हूं. हर बार का पेपर सेटर ही होता है. तो भाई वो इतना स्मार्ट बंदा है कि बीवी को भी चार अगर बोलेगा कि भाई हम घर का एनालिसिस करते हैं कितना हमारा स्पेंड हो रहा है, तो बोलेगा भैया पाई चार्ट बना के दे यार, कितना शुगर स्पेंड हो रहा है, कितना कॉफी स्पेंड हो रहा है, कितनी हम चाय पी रहे हैं, कितना आटा आ रहा है, कितना मल्टीग्रेन आटा आ रहा है. जोक्स अपार्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर कन्वीनर, ही इज अ स्टैटिस्टिशियन. तो DILR में धुएं निकलेंगे. पहली बात, नालायक बच्चों की बात. 32 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे, उसको ब्रेक करते हैं. ब्रेक कैसे करना है? टोटल आपके पास 60 मिनट्स का टाइम. 60 मिनट्स का टाइम थोड़े को है गया. नाउ 60 मिनट्स को दो पार्ट में ब्रेक कर लो. पहले तो 30 मिनट्स फॉर द फर्स्ट 16 क्वेश्चन, 30 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट 16. ये स्ट्रिक्ट ब्रेकअप है बिकॉज इफ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन DI, यू विल बी सॉल्विंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ DI एंड मिसिंग आउट सम इजियर टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. पहली बात, कैटेगरी टू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने गिव अप कर दिया, सर नहीं समझ आ रहा मैनू, DILR मेरे ऊपर से जा रहा है, मैं क्या करूं. चलो भाई ब्रेक कर दिया, 16 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन. इन 16 क्वेश्चंस के 4 सेट्स के अंदर ब्रेक करते हैं. मतलब 4 सेट आपको आने, 4 क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन के 4, DI की बात कर रहे हैं. सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग में आने हैं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन. पहले 5 मिनट आप कुछ नहीं करोगे. पहले 5 मिनट आप बैठ के, पहले 30 मिनट्स जो आपके पास टाइम है, आप DI के सेक्शन को एनालाइज करेंगे, उसको एज अ सेक्शन टेस्ट लेंगे. ठीक है, एनालाइज करेंगे. एनालाइज कैसे करना है? देखेंगे कौन से क्वेश्चन इजी, एम और डी हैं. EMD मार्क करेंगे. अरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक जो है वो है इजी, अगला 4 मैं लूंगा फिफ्थ, पॉइंट नंबर 5 फिफ्थ वाला मीडियम है. उसके बाद अगले 4, 5 से लेके 9 क्वेश्चन जितने भी हो गए, 4 फिर 9, फिर अगला मेरा जो 9वां क्वेश्चन है वो हमारा डिफिकल्ट है. मैं लिख दूंगा इजी, मीडियम, डिफिकल्ट. अच्छे से एनालाइज करके, मतलब थोड़ा मुझे सॉल्व भी करना पड़ जाए ना 5 मिनट में, जो मेरे से सॉल्व हो रहा है दैट्स द इजी क्वेश्चन. तो आप पहले 5 मिनट में एक सबसे इजी सेट ढूंढेंगे.
अभी क्वेश्चन आप करोगे सर इजी सेट ढूंढना कैसे, आई कम टू दैट इजी सेट ढूंढना कैसे। ये इजी सेट आपका हो गया सबसे पहले, अगले बार आपके पास 25 मिनट है। जो इजी सेट आपको मिला है वो वाला सॉल्व करेंगे और एक जो मीडियम वाला है उसके अंदर से दो या तीन सवाल सॉल्व करके बाहर आ जाएंगे चुप करके, डिफिकल्ट वाले को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो आपको 25 मिनट दे रहा हूं, 25 मिनट में आपको वन एंड हाफ सेट ही सॉल्व करना है, समझ गए आप। 25 मिनट में वन एंड हाफ सेट ही सॉल्व करना है, मतलब 15 मिनट ऑन सेट नंबर वन एंड अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट ऑन द मीडियम वन। जितना सॉल्व हुआ 7-8 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर सकते हैं। और भैया इस सेक्शन को क्लोज करो, 30 मिनट हो गए, बंद करो, एलआर पे आओ। एलआर शुरू करने के पहले ब्रेक लो, स्ट्रेस करो, इधर उधर देखो, थोड़ा डीप ब्रीथ करो, हाँ डीप, एक ही बार, एक या दो बार डीप ब्रीथ करो, ऑक्सीजन अपना इनपुट लो, ऑक्सीटोसिन वगैरह डोपामिन वगैरह रिलीज होता है वो सब करो और एलआर के अंदर घुसो। पहले 5 मिनट हम वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इन फाइंडिंग वन ईजियर क्वेश्चन इन लॉजिकल रीजनिंग। वो कैसे ढूंढना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, ईएमडी हम मार्क करते जाएंगे, यार ये इजी है, ये मीडियम है, ये डिफिकल्ट है। और पहले 5 मिनट हो गए, 25 मिनट का टाइम और है, एक इजी वाला सेट सॉल्व करूंगा, प्यार से बनाऊंगा। राम इज फ्रॉम बांग्लादेश, ही नोज बांग्ला, राहुल इज फ्रॉम पंजाब, ही नोज टिक क्रॉस वाला, जो भी आप मेथड यूज करते हो, एनालिटिकल पजल्स ही आती हैं डीआई के अंदर। मैं आपको सेट भी दिखा देता हूं कि कौन से सेट पिछले 2018-2017 के अंदर आए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, समझ गए। तो लॉजिकल रीजनिंग में ईएमडी करो, इजी वाला सेट सॉल्व करो, 15 मिनट में 10 मिनट और रह गए, एक मॉडरेट वाला सेट सॉल्व करो, बाहर आ जाओ। 30 मिनट्स में तुम्हें, जो कैटेगरी 2 बच्चे हैं, तुम्हें सिर्फ एक अच्छा सेट सॉल्व करना है, पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन ठीक करने हैं। सिमिलरली दूसरे के अंदर 4 क्वेश्चन और ठीक करने हैं, जो मॉडरेट वाला वो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। 4+4 अगर तुम्हारे 8 क्वेश्चन ठीक हो गए, आई रिपीट, 8 क्वेश्चन ठीक हो गए, 8 × 3 24 marks, 24 marks इन DILR इज इक्वल टू 85-90% इन कैट। आई रिपीट, 24 marks, which is only 8 questions right in DILR combined together, which is 8 out of 32 all overall questions, you get 85-90% in CAT and you good to go. 85 pe IIM Ahmedabad ki cut off clear ho jati hai, SPG in Bombay cut off clear ho jati hai, sare cut off clear ho jati hai. Ye hai category 2 bachcho ke liye jinko 90% ka IIM hai, jyada bhaiya, it's 1 o'clock, jyada, sorry that's my watch, jyada aapko tension nahi hai. Aage chalte hain, dusra wala section hamara hai un bachcho ke liye jinko faadna hai, unko faadna hai aapko बेटा, एक इजी सेट भी करना पड़ेगा, मीडियम भी करना पड़ेगा, डीआई को अपने को हाथ ही लगाना है, एक इजी करना पड़ेगा, एक मीडियम फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले 5 मिनट हम इन्वेस्ट करेंगे डीआई सेक्शन के अंदर, उस 5 मिनट के अंदर इजी मीडियम को फिगर आउट करेंगे, मैं आ रहा हूं कैसे फिगर आउट करना है, इजी मीडियम को फिगर आउट करेंगे। वो सेट करने के बाद यू गोना गेट इनसाइड एंड सॉल्व दिस टू अच्छे से, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि मॉडरेट वाला सेट जो कि थोड़ा मुश्किल होता है वो भी सॉल्व हो जाए। 8 क्वेश्चन तुम्हें यहां पे ठीक करने हैं, मूव टू लॉजिकल रीजनिंग, पहले 5 मिनट इन्वेस्ट, अच्छे से क्वेश्चन ढूंढो, कोई गलत सेट पकड़ने ही नहीं है, इजी और मीडियम वाला सॉल्व करेंगे। 8 क्वेश्चन यहां पे ठीक करेंगे, 8 क्वेश्चन यहां पे ठीक करेंगे। अगर तुम्हारा सिलेक्शन बढ़िया रहा, 8 और 8 16 क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर दिए, यू गेट अ 99% प्लस इन डीआई, प्रेफरेबली 99.5 के ऊपर ही आएगा बेस्ड ऑन द पास्ट 5 ईयर। यू डोंट बिलीव मी, that's the reason how to crack CAT. Why do people do blunders? They find a difficult set and they screw up their life on solving the difficult set. That's the biggest problem of data interpretation in CAT. Last part, the most important, how to choose the easiest one. सेक्शन टेस्ट देंगे, जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, मैं नीचे मॉक्स का लिंक दे रहा हूँ, सेक्शन टेस्ट का लिंक दे रहा हूँ। जो लोग कैटकिंग के स्टूडेंट हो, नहीं हो, जिन्होंने मॉक लिए नहीं लिए मुझे नहीं पता, अगले 10 दिन आप ब्लॉक कर लो। ब्लॉक करके क्या करो, डीआई में आता क्या यार, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 टेबल्स आने ही आने हैं, नंबर 2 पाई चार्ट आना ही आना है, नंबर 3 तुम्हारा होता है बार ग्राफ। ये 3 चीजें हैं जो कि पिछले 10 साल से मिसिंग नहीं है, लाइन ग्राफ, मिसलेनियस, वो पेंटागन बना के क्वेश्चन, वो सर्कुलर अरेंजमेंट, वो थोड़ा वेन डायग्राम, वो आता है पर बहुत ही कम है। टेबल्स एक ऐसी चीज है जो कभी मिस नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, अगले 10 दिन में शेड्यूल करेंगे, 3 दिन में टेबल्स में गौड़ूंगा, 3 दिन में पाई चार्ट में गौड़ूंगा, 3 दिन के अंदर मैं बार ग्राफ में गौड़ूंगा, और रोज का एक सेक्शन टेस्ट देंगे। सेक्शन टेस्ट का मतलब 60 मिनट का सेक्शन टेस्ट, मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन टेस्ट हाउ इट लुक्स लाइक। हमारा जो कैटकिंग का सेक्शन टेस्ट है उसके अंदर हमने क्या किया, 60 मिनट तुम्हें दे दिए, तुम मेरी वाली स्ट्रेटजी फॉलो करोगे और 10 दिन के लिए वो एक सेक्शन को दोगे यार, ठीक है, सिर्फ पूरा मॉक दो ना दो बाद की बात, सिर्फ एक सेक्शन को दोगे और मेरी वाली स्ट्रेटजी फॉलो करोगे एंड यू गोना गेट एन
expert to become a scavenger. Then you're going to find these easier questions and get set, go. I repeat, jo bachcha ye garbad karke aayega, mushkil question attempt karega, uska DILR clear nahi hona hai. Tusi mainu kahoge baad, sir, mera nahi clear hoya. That's the easy crux mantra. Last thing for the day, everyone. IIM Ahmedabad wali baat mein complete kar raha tha. IIM Ahmedabad wali baat, day in life event or number one is subscribe to the channel. That's rule number one. Main ek test launch karunga, aapko uska link aa jayega. Wo test pakdiye aur 50 minute ya 1 ghante ka test hoga aur toppers ko hum leke jayenge. Before that, tell me 5, 10, 15. How many people should we take to IIM Ahmedabad in first week of October? 7-8 din ka test hai aur roz ke winners main announce karunga. Thank you so much for joining in, guys. If you guys have enjoyed the video, drop in the comments. Mereko bhi acha lagta hai comments padhne ke liye. Main khud reply karta hu aapke sare comments, most of them. And stay glued and keep working hard. All the best. CAT is round the corner, but padhte jana. Negative bachche se dur rehna, and we got to make it at IIM this year. All the best, guys. Thank you so much for joining in.